इस पूरे इंटरनेट पे पड़ी है बहुत ही तरीके की खौफनाक खौफनाक चीजें, एंड आज मैं उन्हीं में से कुछ खौफनाक चीजों को तुम्हारे साथ देखने वाला हूँ, जो कि मेरी फेवरेट चीज है। बड़ा है फेवरेट चीज। तो यस, आज मैं फिर से आ चुका हूँ लेके कुछ स्केरियस्ट हॉरर शॉर्ट्स ऑन इंटरनेट, एंड यस इट्स गोना बी फन। आ जाओ देखते हैं, शुरू करते हैं। आज वाली इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुम्हें पता ही है। सो यस, आ जाओ। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्रीपी शॉट एंड ऑलरेडी मुझे सामने कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स गो। माय रिफ्लेक्शन लुक्स वियर्ड। ओके भाई को अपनी परछाई वियर्ड। यप, डेफिनेटली वियर्ड। गेट आउट, यू हैव टू गेट आउट। व्हाट डू यू मीन गेट आउट, गेट आउट, यू हैव टू गेट आउट। अरे भाई, गेट आउट, गेट आउट ही बोली जा रहा है तेरे को। भागने के लिए बोल रहा तू, और पास आ रहा है। इट्स टू लेट। It's too late. Okay, nice. Very, very nice. Dude, what was that? भाई एक तो जिनमें लेट जंप स्केयर्स आते हैं ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा इन वीडियोस का। हाँ, मेरे को पता है पॉसिबल नहीं है, बट मैं फिर भी तोड़ दूंगा। ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट शॉट। लीसा वाज डांसिंग एट द बैले स्टूडियो व्हेन सडनली शी फेल्ट दैट द मिरर कुडंट कीप अप विद हर मूवमेंट्स, सो शी स्टार्टेड टू लुक इनटू द मिरर टू मेक श्योर। ओके, मेरी स्लो ऑडियंस के लिए मैं समझा दूं, ये लीसा नाम की लड़की डांस कर रही है अपेरेंटली हॉल में, एंड उसने नोटिस किया कि शीशे में उसकी रिफ्लेक्शंस डिले हो रही है, या जो वो एक्चुअली में कर रही है रिफ्लेक्ट वो नहीं हो रहा है। Okay, हो तो रहा है। Lisa purposely turned her head and then a quick backward glance revealed that she was slowing down in the mirror. She was so shocked that she ran backwards and suddenly she stopped. She Why? Came slowly and it turned out that her mirror self couldn't get out. At that moment her mirror self did a ballet routine. Lisa repeated भाई, मैं अगर कहीं नाच रहा हूँ और मेरी रिफ्लेक्शन मेरे को कॉपी नहीं कर रही है, कुछ और ही अपने डांस मूव्स कर रही है, तो मैं बैटल नहीं करूंगा उसके साथ, मैं भागूंगा वहां से। Did the moves in confusion and her mirror self was happy as a child. Lisa began to teach her how to dance, but her movements became more and more ugly. Oh, what the Gradually she starts to get a little impatient. Oh. Suddenly she stomps her foot in anger, causing Lisa to sprain her foot. Realizing that she could control Lisa's body, she slowly raised her hand, then gave it a gentle push. Oh, oh. That was not a gentle push. That was bad. Abhe. She starts to zoom in. लीसा का टाटा बाय बाय कर दिया भाई। ओह नो। ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट शॉट। ब्लैक मैजिक रियल हॉरर स्टोरी। ऑलराइट, ठीक है भाई बताओ। ये हॉरर स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। तो राहुल एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, एंड उसके रूम पर वो और उसका बड़ा भाई रहते थे। उसका बड़ा भाई जॉब करता था, एंड राहुल एक दिन अपनी बालकनी से देखता है कि रोड के बीचों बीच चार लोग बीच में आग जला के उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, एंड आग में कुछ डाल रहे होते हैं। अब राहुल को इतना तो आइडिया लग गया था कि वो कोई हवन नहीं बल्कि एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। और आप अरे बहुत मस्ती भी कर रहे हो सकते हैं राहुल भाई, कम ऑन। हम भी ठंडियों में ऐसे कुछ भी जला वला के, हाँ, आसपास नाच के उसमें कुछ डालते तो नहीं थे, बट हाँ मजा आता था। वो टाइम याद आ गया मेरे को, बड़ा मजा आता था। वेरी नेक्स्ट डे वो चारों अपना अपार्टमेंट छोड़ देते हैं, और करीब एक महीने बाद राहुल अपने रूम में ऐसी पढ़ रहा होता है, तभी उसे अपने रूम के बालकनी में कुछ दिखता है, कोई शेडो टाइप या एंटिटी, जबकि वो अपने रूम पर अकेला था। अब बालकनी में जो भी था भूत एंटिटी, वो उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था उस दिन। नेक्स्ट राहुल भाई, ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना होता है। नेक्स्ट डे राहुल अपने भाई को बताता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, तो उसका भाई बोलता है कि करीब एक हफ्ते पहले मैंने भी बालकनी में एक शैडो टाइप देखी थी, मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा इसलिए मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। और नेक्स्ट डे राहुल को पता चलता है कि वो चार जो रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे उनकी मौत हो चुकी है, और शायद ये उन्हीं की आत्मा थी। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू फॉर द ट्रॉमा, बट क्या बात है। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता ना, मेरे जस्ट यहाँ पे साइड में ये बालकनी है मेरी, और रात में मेरे को पर्दा हटाने का भी मन नहीं करता है, मैं सच बता रहा हूँ। एक तो आसपास के लोगों को पता नहीं क्या है, लाइट भी नहीं जलानी, और अगर हम जलाएंगे भी उन्हें उससे भी प्रॉब्लम है। हमें सोने को नहीं होता है, प्लीज लाइट बंद कर दो। ठीक है भाई, बालकनी का ट्रॉमा देने के लिए शुक्रिया। ऑलराइट, नेक्स्ट शॉट। डोंट वॉच अलोन। गेस व्हाट, आई हैव टू, क्योंकि मेरे लोगों को उसी में मजा आता है। ओके, सो रहे हैं चैन से।
है, हो गया था। अच्छा उसे उठा रही है। ओ ब्रो, ओ वो, अबे गधे उठ जा। अबे ये कुंभकर्ण है क्या, उठ क्यों नहीं रहा ये? ब्रो ऐसे कौन सोता है भाई? माना कि कभी कभार मैं भी नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन वो तो लिटरली कान पे चिल्ला रही है। अच्छा वो पैर हिला रही, सॉरी सॉरी माय बैड, मेरे को भाई उठ नहीं रहा है। क्या अच्छा वही बोल रही है, रात में मत देखना। एक लड़का रिसेंटली अमेरिका में शिफ्ट होता है, उसके पास ज्यादा पैसे ना होने की वजह से वो एक सस्ता घर लेता है। जो घर उसने लिया था वो मेन शहर से भी काफी दूर था, और उस घर के फर्नीचर इतने पुराने थे कि बहुत अजीब अजीब आवाजें आती थी, मतलब पूरे घर। आई नो उसको ऐसा घर तो नहीं होगा, बट अगर ऐसा घर है तो या तो तेरा दिमाग खराब है या तुझे जिंदा रहने का शौक नहीं है। अबे कौन जाना चाहेगा ऐसे घर में? आवाजें आती थी, मतलब पूरे घर से ही बहुत। मेरे को फ्री में रहने के लिए बोलो, मैं फिर भी नहीं रहूंगा। ऐसा फील नहीं हुआ था जो आज होने वाला था। एक दिन उसे सोने से पहले प्यास लगती है, वो पानी पीने जाता है किचन में, और उसे बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है, और वो आवाज किस चीज की आ रही होती है ये आप खुद देख लो। मैं नहीं देखूंगा। अच्छा मेरे को देखना ही पड़ेगा। अबे उल्लू नहीं, ओह माय गॉड दैट्स नॉट उल्लू। पीछे रह, दूर है मेरे से। डोंट शेयर, ठीक है नहीं करूंगा शेयर। अरे भाई ऐसे कैसी वीडियो की डोंट शेयर लिख रहे हैं? यस मेरी वीडियो के लिए नहीं लिखा, अपनी वीडियो के लिए लिखा। मेरी वीडियो तो करो शेयर। ऑलराइट नेक्स्ट हॉरर शॉर्ट, हॉरर स्टोरी ऑफ पैरालाइज्ड ग्रैंडमदर। एक दिन सुहानी की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि आज उसकी नाइट शिफ्ट है, तो क्या आज वो उसकी बीमार पैरालाइज दादी का ख्याल रख लेगी? मजबूरी में सुहानी को हाँ करनी पड़ती है, और जब वो उसके घर पहुंचती है तो वो उसे सारी बातें समझाकर निकल जाती है। रात को डिनर में सुहानी सूप बनाती है, लेकिन उसकी दादी उसे फेंक देती है, क्योंकि उसकी दादी। अरे दादी बड़ी बदतमीज हो यार आप। अरे ऐसे कौन करता है, इतनी प्यार से खाना बनाने आई है लड़की, ख्याल रखने आई है, फेंक दिया खाना उठा के। दादी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर सुहानी उन्हें बेड पर लेटाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है, मगर तभी उसकी दादी रिंग बजाती है, और जब सुहानी उनके रूम में जाती है तो वो चुपचाप उसे घूरती रहती। ऐसा मत देखो यार। वो बार बार रिंग बजाती है सुहानी को परेशान करने के लिए, लेकिन सुहानी अब इग्नोर कर सो जाती है, और तभी वो रिंग बड़ी तेज तेज बजने लगती है, और सुहानी को एक आवाज आती है, और सुहानी जब उठती है तो वो देखती है कि वो दादी उसी के रूम में आ चुकी है। बिना देरी किए उस पैरालाइज दादी ने सुहानी के पैर में काट लिया। सुहानी बुरी तरह से दुख दर्द पीड़ा से चिल्ला रही थी, अभी उसकी आंखें दुख दर्द पीड़ा, ओके सॉरी माय बैड। सुहानी भाग वहां से। अबे यार दादी पगलाट हो गई। खुलती है और वो देखती है कि ये तो एक बस डरावना सपना था, और उस दिन से आज तक सुहानी अपनी फ्रेंड की दादी का ख्याल रखने नहीं गई। लेकिन वो पैर पे क्या था? हेलो व्हाट वाज दैट? ठीक है ना, वो माइंड, मैंने कुछ नहीं देखा। ऑलराइट रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा इन हिंदी। ओके दोस्तों यह वीडियो एक स्कूल की है, जब ये लड़कियां स्कूल से छूट जाने के बाद यहां मस्ती कर रही थी, तब अच्छा। उन्होंने देखा कि एक झूला अपने आप ही हिल रहा था, उन्हें लगा यार मेरे को ऊपर से आवाज आई, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। हाँ झूला क्या आगे? अपने आप ही हिल रहा था, उन्हें लगा कि शायद हवा से हिल रहा है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जिससे वो शायद ही वहाँ कभी गई होंगी। क्या हुआ? ओके झूला हिल रहा है, कुदिला है। ओके रोक दिया भाई, ऐसे लोहे की चेन वाले क्यों है झूले? अरे वापस से चल पड़ा। तुम्हें रात होल्ड अप, इनकी स्कूल की छुट्टी हुई थी। ओए 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 ओए, तो क्या इनकी स्कूल की छुट्टी रात को होती है, या तुम तब से घूम ही रहे हो जब से स्कूल की छुट्टी हुई? बड़े बड़े मनमौजी हो यार तुम, हैं बड़े मस्ती खोर हो। ओके वापस से रुक। दोस्तों आपका क्या कहना है?
ध्यान जल्दी फोकस करो। एक बार जरा रिप्ले पे फुल स्क्रीन में चलाया जाए जो अभी मेरे साथ हुआ है। भाई दोस्तों आपका क्या कहना है? मेरा कुछ नहीं कहना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं कुछ कहने के लायक नहीं रहा हूँ। हाँ? ओके भाई तू बता दे तू ये क्या बोल रहे हैं। क्या ये सच में कोई भूत है या इनके द्वारा किया गया कोई एडिटिंग? अपनी राय जरूर देना। नहीं नहीं मेरे को राय से दूर रहना है। ऑलराइट दोस्तों, यह महिला अपने बच्चे से वीडियो कॉल पर थी, तब इसे कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई इसे देख रहा है और इसी का पता करने के लिए उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और जब वह काम कर रही थी तो कुछ ऐसा हुआ कि इसके होश उड़ गए। प्लीज मेरे मत होश उड़ाइए दोबारा। ब्रो मैं यहाँ पे हुआ, मेरे एसी की हवा आई मेरे हाथ पे, मेरे को लगा किसने फूंक मारी है। अरे गेट ना खुल रहा। वहीं पे है। अच्छा वहां पे नहीं है। हाँ ये किसने कुछ नहीं सुना यार, वीडियो में जाएगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, यार निकल यहाँ से। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या यह सच में कोई भूत है या कोई मजाक? इसे कमेंट। अबे वो वहाँ से आया। ओके ये एंड में तूने क्या रखा ये? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं नहीं मैं मेरे को नहीं देखना भाई, मैं हेडफोन्स नहीं पा रहा। नेक्स्ट शॉट। नीलू गोस वॉकिंग ऑन रात में नहीं करे नहीं कर रहे वीडियो बनाने से मन ना कर रही। अभी क्या कर रही है? अभी क्या कर रही थी? ब्रो कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब व्हाट? ओके तो ये कुछ शॉर्ट्स का कंपाइलेशन है एंड इसके अंदर टोटल 6 क्लिप हैं। और या बेसिकली इसके अंदर स्किन वॉकर साइट जो भी हुई थी वो सारी क्लिपे बना रखी है। आ जाओ देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। चलो आ जाओ। स्किन वॉकर एक टाइप ऑफ एंटिटी होता है, एक अर्बन लेजेंड है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि बहुत लोगों ने प्रूव कर रखा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो बीच में ऐसे डांसिंग सर्बियन लेडी वगैरह जो ये पॉपुलर हुई थी, या वो भी एक स्किन वॉकर टाइप ही चीज थी, या तुम उसे एक अर्बन लेजेंड कह सकते हो। चलो आ जाओ। Okay. After seeing the figure, the two kids run away from the creature, leaving another kid behind, confused of what they had just seen. तो ये कैंपिंग करने ऐसी जगह पे क्यों आए? Nothing. So he makes a run for it, just like his friends just did. As he is trying to catch up to his friends, he looks back to see if anything is behind him. कुछ तो है नहीं. And there it was, right by the tent. हाँ? Standing there. Oh my God, bro. भाई मैं टेंट जला दूं अगर मेरे को मेरे टेंट में ऐसा कुछ दिखे, मैं सीधा स्ट्रेट अप फायर। आई डोंट केयर कितना महंगा टेंट है। ओके नंबर 5th। दिस क्लिप शोज अ किड रनिंग फॉर हिज लाइफ बिकॉज़ ही कैन जस्ट फील दैट समथिंग सिनिस्टर इज चेसिंग हिम इन द वुड्स। ही सडनली जिंदगी के लिए भागता हुआ एक लौंडा फॉर अ स्प्लिट सेकंड एंड ही सॉ समथिंग दैट विल शॉक। अच्छा ऑल ऑफ यू दिखा क्या हुआ? ओके भाई मेरे कान सुन पड़ गए हैं, ऐसी वीडियोस है ना, मेरे कान सुन पड़ गए हैं। गुड तुम गाड़ी में बैठे हुए, कम से कम उसका साथ दो यार। यू कैन हियर हिज फ्रेंड। नहीं नहीं मुझे दोबारा नहीं देखना है। आई एम गुड। ओके नंबर 3। एज द कपल गाइस फील लाइक गिविंग अप। अच्छा इसी का कंटिन्यूएशन है। देयर फ्रेंड बट द एक्साइटमेंट एंड जॉय एंड्स वेरी वेरी दोस्त मिल गया। ओके रो रहे हैं। अच्छा दोस्त है उनका शायद। इज दैट यू? या इट इज। तू वहां क्यों खड़ा है? प्रूव इट। प्रूव इट। या प्रूव इट। व्हाट डू यू मीन प्रूव इट? आई डोंट नो। आई हैव बीन फेस डाउन इन अ डिच फॉर 2 आवर्स। आई वाज ट्राइंग टू सेव योर बॉडी। ओके आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट आई हैव टू प्रूव। ओके इफ यू कुड कम हेल्प दैट बी नाइस। Okay, I don't know where this thing is or when it's going to Oh! Oh bhai, WGG dost. Bhai bhaga ho marne ke liye. Good, good. Oh bhai GG.
नहीं 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 दोबारा नहीं, थैंक यू थैंक यू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी हैव अ लिटिल सिक्योरिटी कैम फुटेज। ओके आई लेट दिस क्लिप डू ऑल द टॉकिंग, दिखाओ। अबे ये कौन है? भाई मेरे को गेम वाली वाइब क्यों दे रहा है? ओह नो ब्रो, मैं घर खाली कर दूं अगर मैं ऐसा कुछ मैं अपने घर में देखूं ना, चाहे ठीक है बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल वाला घर है, आई गेट इट, बट मैं घर खाली करके भाग जाऊंगा। व्हाट? ओह नहीं, बस हो गया हो गया हो गया। ओए अच्छा, तो यस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। पीठ पे गदर मचेगा खटेगा, ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।